अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, और उसका हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, साथ में खाना रखा था। और ये देखो खाना यहाँ पर पक चुका है। यहाँ पे जो है ना हमने बिरयानी की देग बनवाई है। अभी शाम का भी टाइम हो गया, सब यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली वाले जमा है। अभी अभी यहाँ पे बन के, यहाँ पे देखो चूल्हे ऐसे बनते हैं, जमीन खोद के वहाँ पर ही देग बना लेते हैं। अभी सबको भूख भी लग रही है, देग भी बन। हाँ, ये भी अभी अभी उतारिए ना। हाँ, इसको अभी 15 मिनट रखेंगे, दम पे रखा है अभी इसको। बिरयानी जो है ना यहाँ की गांव की पक चुकी है, और सबको अभी जो है ना खाना बांटते हैं। सबसे पहली प्लेट जाएगी अमनूर को, अमनूर के खाने। और चिकन भी हमको दादा दे रहे। चलिए, ये अमनूर अमनूर का वाहिद ऐसा नाम है जिसको बड़े छोटे पूरे गाँव के लोग सब अमनूर अमनूर बुलाते हैं। पहले अमनूर दो प्लेट आपकी, दो प्लेट वापस आनी है। यही किराए की प्लेट है नहीं, पुलाव है, चिकन पुलाव बनवाया है। चिकन पुलाव है ना, बिरयानी नहीं। नहीं, बिरयानी नहीं है। आ जाओ बच्चों, आपने खाया? अबू को दे दिए। हमने इसमें ना बिरयानी में बड़ा बना दिखाया है, सबसे बड़ा दिखाया है राबिया बाजी को। फिर राबिया बाजी सबको बांट सकती है। आ जाएं जल्दी से आ जाएं। पंजाब में कटेगा तो सब में बटेगा। हां, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। और पंजाब में बिरयानी, हां पंजाब की बिरयानी है, तो पूरा पुलाव बना। ये पुलाव है पंजाब का। खाएं आप। नहीं बताएं कैसी बनी है। बेहतरीन। अच्छा है। हां, गाड़ी की खुशी में तेल खा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ के जो पकवान होते हैं ना, यहाँ के लोगों को पता है कि कौन सा अच्छा बनाता है, तो उसी को बुलाइएगा। तो जहद भाई ने बुलाया था। प्लेट्स हमने उठा लिए कौशल के रूम से, बाकी जितने लोग आए उन सबको भी देखते हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं। आज आपका घर जो है ना पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरे घर में ना रौनक लगी हुई है। और मेरी पसंद की बिरयानी भी। आज हमने सोचा जो गांव के सब लोग है ना छुट्टी करें, चूल्हे ना जलाएं। बहुत शुक्रिया, हम भी काम करके थक गए थे, खाने बना बना के मिस्त्री को बहुत थक गए। हाँ, चलो आज इसको रेस्ट मिल गया। चलो सबको रेस्ट मिल गया ना, सकून से सारे बैठे। मैं बताऊँ आपको, ये सुसर है, ये सुसर दामाद, दामाद दामाद और सुसर की जोड़ी देखो ऐसी है कि प्लेटें एक दूसरे से छीन रहे हैं। यहाँ पर जंग है बोटियों के ऊपर, बहुत ज्यादा जंग है। हालांकि मैंने ना अपनी जो आज देख बनवाई उसमें बोटियां एक्स्ट्रा बहुत डलवाई हैं, लेकिन फिर भी सब बोटियों पे लड़ाई कर रहे हैं। काशिफ भाई को मैं एक पूरी प्लेट बोटियों की खाली देती हूँ। अरे कौशल कैसा लगा? अच्छा बना? अच्छा है जी। तो मुस्तफा को भी मिल रही है प्लेट? नहीं, मैं पहले ले गया था। अच्छा अच्छा, पहले ये कजन सारे मिलके खा रहे हैं ना। बच्चा पार्टी सबको चावल पूरे हैं? और चाहिए? और चाहिए तो बताना, पेट हाँ पेट भर के खाना। कैसे लगे चावल? अच्छे बने? हाँ कैसे बने? बहुत अच्छा। लाइट जो है ना यहाँ पर सही आ रही है। तो मुझे आप सबसे करनी है बातें। कल की वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि गुड न्यूज दूंगी, बहुत सब लोग वेट भी कर रहे होंगे, और अलग अलग मैसेज भी आ रहे थे। सबने आइडिया लगाया हुआ था कि फातिमा की शादी हो रही है, वकार आ गया, इमरजेंसी में हो रही है, अर्जेंट पता नहीं कैसे क्या। अभी बात करते हैं कि गुड न्यूज क्या थी। गुड न्यूज ये थी, फातिमा और वकार की शादी की डेट फिक्स करनी थी, जिसकी मुझे गुड न्यूज देनी थी, और वो फाइनली जो है ना अभी हो रही है, और सब अभी आना भी शुरू हो गए हैं। 3-4 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्लान हुआ है, जैसे गाड़ी का, ये सारी चीजों का। तो अब एक एक बार डिटेल से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ। तीन चार दिन के अंदर अंदर ये सारा प्लान हुआ है। बाद में एकदम से ऐसा हुआ है कि सबके चैनल हैं, जैसे कि फैमिली में हर एक बंदे के चैनल है। कुछ भी होता है, कुछ भी, एक सेकंड का किसी में बर्दाश्त नहीं है। एक बात होती है तो दूसरा उसको 10 बातें सुनाने के लिए एक और वीडियो बना देता है। तो बस इन्हीं बातों से बातें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। किसका? लड़की का खराब हो रहा है। इसमें उस बच्ची का कोई भी कसूर नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो एक एज होती है ना शादी की, उस एज में जो फीलिंग्स होती हैं, यहाँ पर एक जगह पर आपकी शादी की बात चल रही है, एंगेजमेंट हुई है, वहां पर एक बात पक्की हुई हुई है, और वहां बीच में बाकी रिश्तेदारों की वजह से वो रिश्ता खराब हो रहा है, तो वो एक लाइफ टाइम के लिए, मतलब एक लड़की के दिमाग में वो चीजें चलती हैं, और आने वाले वक्त में वो बहुत कुछ
मतलब खराब होते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके रिश्ते टूटे हैं, तय कई कई साल गुजर जाते हैं, उन्होंने शादी नहीं की। पल से इतना बता रही हूँ, जो भी डिसीजन लिया फातिमा के लिए लिया है, मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आएंगे आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं, आप क्यों ये सब कर रही हैं। देखो मैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रही, अल्लाह पाक भी खुश होता है किसी भी लड़की का। आप अगर शादी करो और अगर आप उसमें कहीं पर कोई रुकावट आ रही है, आप उसमें उसकी हेल्प करो, बातें क्लियर करो, मिस्टेक्स को खत्म करके उनकी जो है ना अच्छे से रजामंदी से शादी कराओ, तो इसमें अल्लाह पाक खुश होता है। और अल्लाह पाक देखो मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं और मेरा दिल को सुकून मिलता है ये सारे काम करके। स्पेशली किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेला जाए, ये वाला ऐसा टाइम होता है, इस टाइम पे जो आपकी फीलिंग्स एक जुड़ी होती है ना, उस टाइम पे कोई भी ना खेले। तो मैं कहती हूँ या तो बात कहीं हो ना, अगर बात हो गई, एक लड़की लड़के का माइंड सेट हुआ हुआ है कि हमारी यहाँ शादी होनी है, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से ख्वाब होते हैं, सोचते हैं हम ये शादी हो करेंगे, ये होगा वो होगा, एक होता है लड़की लड़के के दिमाग में वो सारा कुछ, उसको कभी भी मैं नहीं अच्छा समझती कि वो सब कुछ खराब हो, क्योंकि बहुत कुछ आगे फिर आने वाली लाइफ में खराब होता है, कहीं और भी रिश्ता होता है तो दिमाग में चलता रहता है। हाँ, तो ये सारी बातें आपको एक बात मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड की शादी से रिलेटेड बता रही हूँ, तो काफी लोगों को कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सच में मुझे दिल से समझते हैं, उनके लिए कोई भी नाराज नहीं हो। पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सब बहुत नाराज हुए थे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ किसी का रिश्ता खराब ना हो, उसमें मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उन सबको सॉल्व करके मैं चाहती हूँ कि उसका जो है ना टाइम पर जो डेट रखी जा रही थी शुरू से वही डेट पर ही उसकी शादी करते हैं। मिलकर बड़े जितने भी हैं सारे मिलके, उनके भी जितना भी लड़की की तरफ से यहाँ पर बड़े थे सारे आ जाते हैं, तो डेट फिक्स कर लेते हैं ताकि एक माइंड सेट हो जाए, शादी है, शादी करनी है, किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेला जाए और किसी का कोई तमाशा ना बने, बच्चे खुश हैं आपस में, अच्छे से उनकी शादी करें, बस यही सब कुछ है। यहाँ पे बात फीलिंग्स की हो रही है, जैसे मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है कौसर, आप सब उसको जानते भी हो, अभी मैं गांव आई हूँ तब भी मैंने उसको दिखाया है, अगर कोई नहीं जानता तो। जैसे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, आप देखो कि मेरे हस्बैंड का और कौसर का मुझसे पहले रिश्ता जुड़ा हुआ था, एक बचपन से वो रिश्तेदार थे, आपस में जुड़ा हुआ था, अब बड़ों की वजह से उनके आपस में जो भी हुआ है, पता नहीं लड़ाई झगड़ा जो उनका बीच का था, मैं उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन हाँ इन बातों की वजह से वो रिश्ता टूट गया था, एक रिश्ता टूट चुका था उस टाइम, उसके बाद फिर मुझसे जुड़ा, मतलब 2-2.5 साल बाद फिर मुझसे जुड़ा था, फिर मेरा निकाह हुआ, फिर मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से, लेकिन मेरे हस्बैंड से पहले जो हुआ हुआ था वो एक बचपन का था, तो वो खैर उनका आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से खत्म हो गया। और फिर देखो मेरी शादी को 13 साल गुजर गए, तो वो एक फीलिंग्स थी कौसर की भी, जैसे उसकी एक फीलिंग्स थी, उनके दिमाग सेट हुए हुए थे, उनके माइंड बच्चों के आपस में सेट हुए होते हैं कि हमारी शादी, हमने शादी करना है, और बीच में बड़ों की लड़ाई झगड़ों की वजह से उनकी शादी वो एक खत्म हो गई और फिर मुझसे शादी हो गई। तो मतलब मैं उनकी एक स्टोरी बता रही हूँ आपको कि ताकि कुछ लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो। अब देखो मेरी शादी को जब 13 साल गुजर गए ना, तो तब तक वो बैठी रही, तो उसका मतलब कहीं एक दिमाग होता है ना कि हम एक जगह पर लगा लेते, एक जगह पर सेट कर लेते, ये सब कुछ बहुत गलत होता है। तो जो मेरे हस्बैंड की फ्यांसी थी वो पूरा 13 साल बाद मेरी शादी के बाद भी बैठी रही, और फिर आखिर में मेरे हस्बैंड ने उनसे ही जाकर निकाह किया, उनसे शादी की, वो बाकी सब कुछ आप सबके सामने था। तो देखो मेरी शादी के बाद भी देखो नसीब उनका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, तो दोबारा वो एक दूसरे को आकर मिले। तो आप सब नाराज नहीं होना, बस दिल से खुश होना, फातिमा को ढेर सारी दुआएं देना, वकार को, फातिमा को, उनको आने वाली लाइफ के लिए। तो चलो अभी सब लड़के वालों की तरफ से भी आ रहे हैं और हम सब भी मिलके फातिमा की डेट पक्की करते हैं, और इंशाल्लाह आगे जो भी सारी रस्में होंगे सारी एक साथ करेंगे और शादी की शुरुआत करते हैं। स्टाइल आदाब 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 आदाब। गुड न्यूज से पहले जो है ना सबकी एंट्री होगी बहुत ही अच्छे और एक अलग और डिसेंट डिफरेंट वे में, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एंट्री करवाते हैं सबकी, जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं हमारे सलून से। चलो पहले एंट्री देखो सबकी। यहाँ पर देखो सबको मैंने रोक के रखा है कि सारे जो ना लाइन से एक साथ आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा सबका। आ जाए मामू, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आपकी तस्वीरें बन रही है ना, यादगिरी है। हम भी आ रहे हैं देखो खुशी से, जलाल खान। हाँ, सारे माशाल्लाह से हमारे फैमिली में सब लोग जमा है। चाचू तस्वीर बनानी है,
चाचू तस्वीर बनानी, सारे लाइन से खड़े हो जाए। चाचू थोड़ा सा आप, मामू थोड़ा पीछे आ जो सारे आ जो, लाइन बना लो। बस आप अपनी लाइन से नहीं जाएगा, आपकी प्यारी तस्वीर आएगी। माशाल्लाह से देखो इतनी बड़ी जो है ना लाइन यहाँ पर बन चुकी है। बनाओ बनाओ लाइन, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है यहाँ से। मामू आप ना ऐसे करके आइएगा, ठीक है? ठीक है, अलहमदुलिल्लाह से अंदर आ चुके हैं। आप जो है ना लेडीज की एंट्री होने वाली है, तो लेडीज सारी लाइन से लग जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आऊंगी। बस ऐसे सारे लाइन से ही रुकिएगा, सबकी बन गई, लेडीज की बारी है ना, अभी सारे आ गए। चलो शबाना बाजी भी आ गई, आ जाए आ जाए, सब आ जाए। लाइन से सारे चलते चलो, अभी है लेडीज की एंट्री। कैसे है, सब ठीक है? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो चलो बिस्मिल्लाह करें, और जो भी बातें हैं बड़ों की आपस में सारे करें और शुरू करें। वकार भाई, वकार भाई आप ये देख रहे हो तो मुबारक हो। पिछले साल ना ये लिशबा शर्माती थी इन दिनों में, और अभी बड़ी फातिमा। और देखो अब उसकी शर्म खत्म हो गई है, फेस भी रबील होगी और इस तरह से फातिमा भी सामने आ जाएगी। अभी हम आए हैं शानी के घर पे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आमिर और अलिशबा ने मिठाई लेके रखी हुई थी। आमिर और अलिशबा हैं दूल्हे वाली साइड पर, तो मिठाई भी दूल्हे वाली साइड पे होती है जब डेट फिक्स होती है। मिठाई का टोकरा बड़ा सा, चलो एक उठाओ जो भी उठाना जल्दी। अच्छा मुझे
हमारे सबसे बड़े हैं ना, सबसे पहले मिठाई उनको जाएंगे। अब वो हमेशा दो ही लड्डू खाते हैं, हमेशा से ही। एक मिनट सब उठाने, सबकी बारी आएगी, वेट करो। मम्मी अपनी मर्जी का लड्डू बशीर को, बशीर भाई, असलम भाई, फारूक भाई, और ये हमारे मामू सादिक, सकीर भैया, दुल्हन की अम्मा, काशी भाई को नहीं देती। आप लोग दूल्हे के भाई और बड़ा वाला, और इनसे मिलिए भी हैं दुल्हन की खाला, दूल्हे की भाभी हैं, इनसे मिलिए, पिंक सूट वाली दुल्हन के फूफो और दूल्हे की फूफो। कैमरा मैन, नहीं नहीं हम बाद में उठा लेंगे। कैमरा मैन प्लीज, मैं भूल गई, दूल्हे की बड़ी भाभी, दूल्हे की भाभी से मिलिए, ये देखिए इनसे मिलिए, चले आप अपनी मर्जी का लड्डू उठाएं। और बच्चा पार्टी आ जाओ, सब ना इसकी तारीफ करें कि ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा मैन, फाइनली जो है ना सबका मुंह भी मीठा करा लिया, सबने मुंह मीठा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे सब खुशी से ही होगा। तो गाइस देखो, इतना टाइम तक आपने हमारे नोबिता को नहीं देखा, और ये इतना गुस्से में है, गुस्से में है, हमने इसको अंदर बंद किया हुआ ना, इस वजह से गंदा बन गया, नाराज है, दिखाती पर इतना ज्यादा नाराज है कि मुझे रूम में क्यों बंद किया, इसको भागना है, और हमें डर लगता है कहीं भाग गया तो फिर ना मिले, हमें डर लगता है ना नोबिता, आपके लिए अच्छा है नोबिता, मत नाराज हो नोबिता, नहीं नाराज, प्यारा बेबी नहीं नाराज होगा, नहीं होगा मेरा प्यारा बेबी, देखो अभी देखो चुप कर गया, उसे काट रहा था, इसको गुस्सा होता है कि मुझे घूमने के लिए छोड़ो सही जगह लगा दो इधर, मैंने सोना ये सो करना फंक्शन देखे। अच्छा ये सही जगह ढूंढी आई है आपने, चाचू ने जगह बना के दिए, छोटी सी चार पहिया है, लकड़ियों से हम आग जलाएंगे, उस पर चाय बनती है ना, बहुत मजे की बनती है, और पीछे जो हमारी ये वॉल है ना इसको इग्नोर कीजिएगा, सारी काली हो गई है, यहाँ पर खाना पक पक के, ये घी वाले पैकेट से ना आग बहुत तेजी से जलती है ना, वो कहते तो है कि आग में घी चढ़कने वाली, अब देखो कितना तेज आग जल गई है, ये देखो जहद भाई आ जाए, चाय बन रही है, आग जो है ना बहुत ज्यादा तेज जली है, हाथ भी सेको साथ साथ गर्मा गर्म चाय भी पियो, ये वाला मौका मत गवाना, फिर नहीं मिलेगा। अलीश भाई से करके ही मैं शर्मा रही थी जिस दिन, पिछले साल अलीश भाई की डेट पक्की हुई थी ना इन्हीं दिनों में, वैसे जब आंटी डेट फिक्स हुई थी ना उस दिन यही चाय का देख चा था। हाँ, इधर ही चाय बन रही है, बरसात वाला देख चाय, सब शादियों के फंक्शन होते रहेंगे, यहाँ चाय पकती रहेगी और मेहमान आते रहेंगे, और फंक्शन होते रहे, ऐसी खुशियाँ खुशियाँ होती रहेंगी। जहर भाई आपको ना राबे बाजी के लिए कुछ तारीफ में कुछ अल्फाज पढ़ेंगे, अभी कमरे में सुना सुबह सुबह उठते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, चाय तैयार होती है। हाँ, ये वाली बात पूछनी थी कि एक क्वालिटी बतानी है जो सुबह सुबह नींद से उठते हैं और आगे चाय रेडी होती है, ये क्वालिटी पता नहीं, सबसे ये बेस्ट मोमेंट है जो हम पूरा साल जाकर सिटी में याद करते हैं, जो यहाँ पर हमारे कुछ दिन गुजरते हैं। कोई मसला, यहाँ पर चाय हमारी तैयार हो गई, म्यूजिक आप सुन रहे हैं, शादी की शुरुआत समझो हो गई है, म्यूजिक शुरू, शादी की शुरुआत, भाई प्रैक्टिस डांस की शुरुआत, बच्चे सब डांस कर रहे हैं, वैसे जाने वाली घर में अपने हाथ से कौन सा कोई चाय पिला के आपको पता है मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा हुआ है बाहर, हाँ कौन सा है, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में।